आज मैं अपनी छत पर आई हूँ और बहुत ही अच्छा बसंत पंचमी का मौसम हो गया है, थोड़ा होली जैसा मौसम लगने लगा है। और आपको आज एक लव स्टोरी दिखाऊंगी तोता और मैना की, दिखाती हूँ। दोनों भी छत पे लेकर आई हूँ आज मैं दोनों को, और मेरी फ्रेंड भी आई है जिसकी तोती है और मेरा तोता है, दिखाती हूँ आपको दोनों का। ये देखिए दोनों की बातें सुनिएगा, बहुत ही बातें करती है। तोती तो बहुत बोलती है, सारी बातें जानती है, पापा मम्मी नैन्सी सब नाम लेती है, खाने को भी मांगती है। हमारे मिट्टू ये बहुत खुश हो रही है देखकर हमारे तोते को। ये तोतू राम बैठे हैं, थोड़े बौरे हैं, कम बोलते हैं। क्या हो गया? देखो कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ये बोलेंगी अभी काफी। बुलवाना बोलो मिट्टू। मिट्टू मैं इससे जो बोल रही हूँ बेटी, बेटी 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 बेटू बोलो आंटी आंटी, काहे से कुमार गधे पर नहीं चढ़ेगा, वैसे इतना बोलती है। मिट्टू हाँ बात करो अपने दिमाग से। हेलो आज कोई नहीं बोलेगा नहीं। मिट्टू आंटू ये भी नहीं बोलेगा, मुझसे बात करो। मिट्टू मैं तुमसे बोलूंगी। मिट्टू काहे से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता है, वैसे इतना बोलती है, आज नहीं बोलेगी। बताइए मेरी फ्रेंड है, जब ये कहीं जाती है बाहर घूमने तो अपनी इसे तोते को मेरे घर छोड़ कर जाती है, तो मिट्टू हमारे बहुत खुश होते हैं। अब मैं अभी दिल्ली गई थी अपनी सिस्टर के यहाँ 4 दिन के लिए, तो मिट्टू को अपने इंडिया छोड़ कर गई थी, बहुत दोनों खुश रहते हैं। आज दोनों बोल नहीं रहे हैं, दोनों वरना बहुत बोलते हैं, इनकी तोती तो सारी बात बोल लेती है, हमारे थोड़े कम बोलते हैं, है ना। बोलो तोती भी रुकती है इनके घर पे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये 250 ग्राम मूली ले रखी है मैंने, इस तरीके से पीसेस काट ली है। इसको मैं अभी उबालूंगी एक सीटी देकर। ये इतनी मटर ली हुई है, ये हरा धनिया और ये प्याज और लहसुन है, इसको मैं पीस लूंगी बारीक बारीक। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं कुकर का ढक्कन बंद करती हूँ। जब तक फ्रेंड्स मैं ये प्याज और लहसुन और अदरक थोड़ी सी डालूंगी, पीस लेती हूँ इसको, और धनिया काट कर रखती हूँ जब तक। ये देखिए मैंने सारे मसाले लिए हुए हैं, हल्दी धनिया मिर्च गरम मसाला नमक वगैरह, और ये प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर रखा हुआ है। ये इधर मूली मेरी उबल चुकी है, इसको मैं ठंडा करके निकालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं सरसों का तेल डालती हूँ थोड़ा इस तरीके से, और ये मूली जो उबली हुई है इनको मैं इस तरीके से दबाकर निचोड़ के अच्छे से सारा पानी निकालूंगी इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा घी देके फ्राई करूंगी पहले। ये देखिए मूली को मैंने निचोड़ लिया है, इसका ये पानी मैं फेंक देती हूँ, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से भूनूंगी ब्राउन होने तक मूली को, और इसमें ये मटर भी डाल देती हूँ, ये भी अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाएगी इसमें। ये फ्रेंड्स भूनने के बाद थोड़ा इसमें जो मूली की थोड़ी सी महक होती है इससे थोड़ी सी कम हो जाती है भूनने के बाद। ये देखिए मूली अच्छे से फ्राई हो चुकी है, मैंने इधर कुकर रख दिया है और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला हुआ है, इसमें मसाले डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है, और इसी में मैं
ये हल्दी है, ये मिर्च आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, नमक, ये गरम मसाला और ये पिसा हुआ धनिया। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब्जी बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये मेरे मैके में बहुत बनती थी मूली की सब्जी और मुझे भी बहुत पसंद है। मूली दो तरीके से ही बन सकती है, ये जो मैंने उबाली हुई है इसको आप सूखी कढ़ाई में भी बना सकती हैं, उसमें चावल का पीठा दे के बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए फ्रेंड, मसाला भुन चुका है, इसमें मैं अब मूली और मटर डालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भुन रहा है मेरा, अच्छे से भुनने पे आ गया है। इसमें मैं अब पानी डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मूली और मटर, ये मैंने पानी डाला एक कटोरी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है ये मूली की और मटर की सब्जी। अब इसको मैं 2 सीटी और लगाऊंगी जिससे मटर थोड़ा सा गल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मूली की कितनी टेस्टी सब्जी है। इसमें मैं धनिया पत्ता ऊपर से डालती हूँ, इस तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप प्लीज ट्राई करके जरूर देखिएगा और मेरी ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। We'll be right back.